हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं नवनीत इंग्लिश हाई लेवल ग्रामर एंड राइटिंग स्किल स्टैंडर्ड फिफ्थ का चैप्टर नंबर 19, द सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके पहले हमने चैप्टर 18 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि हमेशा रहती है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19, द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, हमने टेंस पढ़ा था कि टेंस क्या होता है। टेंस हमको बताता है कि टाइम पीरियड क्या है, कि जो एक्शन है वो हो चुका है या होने वाला है या चल रहा है। तो हमने देखा था कि तीन टेंसेस मेन होते हैं, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस भी हम कर चुके हैं, यानी कि जो एक्शन है वो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस यानी जो एक्शन है वो हो चुका है। अब ये क्या है, फ्यूचर टेंस यानी कि जो एक्शन है वो होने वाला है। ओके, तो व्हेन द वर्ब सजेस्ट्स दैट द एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, द वर्ब इज सेड टू बी इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। जब हमको वर्ब सजेस्ट करता है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाला है, तो हम उस वर्ब को क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। ओके, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। I shall send him a message by email. I shall यानी कि मैं उसे भेजूंगा। We will be at your place by 5 PM. यानी कि हम आपकी प्लेस पर 5 PM तक पहुंचेंगे, हम तब वहां पर होंगे। In the sentence above, the verb phrases shall send and will be refer to future actions. ये हमको क्या बता रहे हैं बच्चों, फ्यूचर एक्शंस बता रहे हैं। सो दे आर वर्ब्स इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वे, शैल और विल प्लस बेस वर्ब, यानी कि वी वन फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल, आई शैल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स टूमोरो। She will teach us the rest of the lesson tomorrow. Shall visit, will teach. बच्चों, जो shall है वो किसके साथ में आता है, I के साथ और we के साथ। किसके साथ हम यूज करते हैं shall का, I and we, और बाकी सबके साथ में क्या आता है, will। आपको ये ध्यान में रखना है। Traditionally the word shall was only used with subject I and we. Nowadays, however, will is almost always used to form the simple future tense. देखो, जो पहले थे वहां पर हम shall, I और we के लिए use करते थे, but अब हम क्या use करते हैं, will, but almost we use shall only. The word shall may be used in statements that are commands and in some questions. They shall do exactly as the group leader says. Shall we discuss this at some other time? Now some exercises are given here. Only one exercise is there. Fill in the blanks with the future tense forms of the words given in the brackets. The first one has been done as an example. If I don't bring the violets, they will kill me. Kill ka future tense. I dash him fetch. तो आई शैल फैच हिम, आई शैल फैच हिम, तो शैल फैच। हियर आर सम थिंग्स दैट डैश यू अंडरस्टैंड द स्पीकर, विल हेल्प। देयर डैश प्लेंटी ऑफ मिल्क, बी देयर will be, will be. Tomorrow school dash and are early, will close. द
तो फ्यूचर के साथ में हमको क्या लगाते हैं बच्चों, विल और शैल प्लस बेस वर्ब यानी वी वन फॉर्म ऑफ वर्ब। द मैच डैश एट 9 AM, द मैच विल बिगिन, वॉट डैश वी डैश आस्क्ड डोरोथी, वॉट शैल वी डू, वॉट शैल वी डू आस्क्ड डोरोथी। देन कासिम डैश यू टू यूज हिज वेल, देन कासिम विल अलाउ यू टू यूज हिज वेल। नेक्स्ट इज आई डैश दोज हु गो देयर फॉर पिकनिक्स, आई शैल वॉर्न दोज हु गो देयर फॉर पिकनिक्स, आई शैल वॉर्न। द कालिदास डैश अस टू पीसेस, द कालिदास विल टेयर अस, द कालिदास विल टेयर अस टू पीसेस। इट डैश यू क्वाइट अ स्कायर, इट विल गिव यू क्वाइट अ स्कायर। We dash the place all right, we will find the place all right, तो बच्चों इसी के साथ में हमने चैप्टर 19 सिंपल फ्यूचर टेंस जो कि बहुत छोटा सा था हमने फिनिश कर दिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 20 के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदना ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।